हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवोर्स। ओके, विवाह विच्छेद में वृद्धि के कारण। आज का हमारा ये टॉपिक है विवाह विच्छेद में वृद्धि के कारण। ओके, भारतीय समाज में तलाक की बढ़ती हुई वृद्धि दर की विवेचना। विभिन्न महिला संगठन, पुलिस अधिकारी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा युवा संगठन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। ओके, यद्यपि सभी इस बारे में एकमत हैं कि परिवार को संगठित बनाए रखने वाले परंपरागत मूल्यों में होने वाला परिवर्तन ही विवाह विच्छेद की वर्तमान समस्या का मूल कारण है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। ओके, जैसे फर्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, माता पिता का वांछित हस्तक्षेप। ओके ओके, तो इंक्रीज इन इंडिविजुअल फ्रीडम, इंक्रीज इन इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। ओके, इंक्रीज इन इंडिविजुअल फ्रीडम। युवा पीढ़ी स्वभाव से ही स्वतंत्र होती है, लेकिन जब उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप एक शैक्षिक कामकाजी तथा कानूनी माहौल भी मिल जाता है, तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उसके नजरिए में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नई परिभाषा से धनोपार्जन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक दायित्वों तथा निजी अधिकारों का अर्थ बदलने लगता है। सुशिक्षित महिलाएं अपने पति की तरह ही काम पर जाती हैं। विषम लिंग की व्यक्तियों के घनिष्ठ संपर्क में आती हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में पति के समान दायित्व का दावा करती हैं तथा उन आरोपों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं जो परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर लगाए जाते हैं। शिक्षित लेकिन गैर कामकाजी गृहिणियां भी परिवार में अपने स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति अधिक जागरूक हो रही हैं। पति पत्नी की वैयक्तिक स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा पैदा न होने पर जब कोई भी एक पक्ष अधिक संतुष्ट हो जाता है तो इसका परिणाम दाम्पत्य संबंधों के विघटन के रूप में होने लगता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ओके, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा स्वयं जागरूक तथा तार्किक व्यवहार का माध्यम है। भारत में जैसे जैसे शिक्षित महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, उन्हें घिसी पिटी पारिवारिक रूढ़ियों से बांधकर रखना संभव होता जा रहा है। अब नगरों के अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय में भी ऐसी विवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जो घरेलू हिंसा का खुला विरोध करने लगी हैं तथा अपना जीवन सास ससुर के हाथों गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन मॉरल वैल्यू। ओके, चेंज इन मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। मुंबई के समाजशास्त्री मारीवाला तथा विवाह विच्छेद से जुड़े अनेक वकील एवं परिवीक्षा अधिकारी तलाक के बढ़ते हुए प्रतिशत का मुख्य कारण नैतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मानते हैं। ओके, इनके अनुसार शिक्षित और कामकाजी वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं में सबसे अधिक तलाक के मामले उस दशा का परिणाम है जिनमें विवाह से पहले या विवाह के बाद स्थापित यौन संबंध पारस्परिक असंतुष्टि का कारण बन जाते हैं। आज एक और हमारी जीवन शैली को बदलने वाला उत्पाद बाजार में बहुतायत से उपलब्ध है तो दूसरी ओर डेटिंग तथा विवाह पूर्व संबंधों को किसी खतरे के रूप में न देखकर आधुनिकता के लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।
विलंब विवाह में वृद्धि होने के कारण विवाह से पहले संबंधों के जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं। अनेक मामलों में जिनसे विवाह पूर्व संबंधों की स्थापना होती है, ओके, उनसे विवाह न हो सकने के बाद भी उस रिश्ते का आकर्षण अक्सर बना रहता है, ओके। यहीं से वैवाहिक जीवन में दरार शुरू हो जाने से इसका परिणाम तलाक के रूप में सामने आने लगता है। विवाह के बाद इन संबंधों में नीरसता महसूस होने लगती है और यहीं से विवाह जीवन में वैवाहिक जीवन में दरार शुरू हो जाने से इसका परिणाम तलाक के रूप में सामने आ जाता है, ओके। अब नेक्स्ट है महानगरों की आधुनिक संस्कृति, मॉडर्न कल्चर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ओके। कुछ सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तलाक की सबसे अधिकतर दर महानगरों में है। मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर में तलाक का प्रतिशत 30-40 तक पहुंच चुका है। इन नगरों की संस्कृति ने युवक और युवतियों का क्लबों, डांस सेंटर, जिम केंद्रों पर जाना आम बात है। काम की व्यस्तता के कारण उनके घर लौटने पर कोई निश्चित समय नहीं होता है। यही स्थिति वैवाहिक दंपत्ति के बारे में भी देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति पत्नी द्वारा विषम लिंग के व्यक्ति से दोस्ती के संबंधों को बुरा नहीं माना जाता। पुरुषों की तरह महिलाओं में भी मकपान और आधुनिक संस्कृति के एक लक्षण के रूप में देखा जाने लगा है, ठीक है। मीडिया तथा सेलिब्रिटीज से जुड़ी गॉसिप इन नगरों की जीवन शैली का अक्सर हिस्सा बनने लगी है, ओके। अब है नेक्स्ट, प्रेम विवाहों से उत्पन्न तनाव, टेंशन अराइजिंग ड्यू टू द लव मैरिज, ओके। क्या है? टेंशन अराइजिंग ड्यू टू द लव मैरिज। मुंबई में एक शोध संस्थान की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि भारतीय समाज में बहुत से प्रेम विवाह सफल दाम्पत्य जीवन में बाधक नहीं है, लेकिन अधिकांश प्रेम विवाह अक्सर किसी न किसी तरह किसी स्तर पर असफल होते देखे गए हैं, भले ही उसका परिणति तलाक के रूप में सामने ना आए। आज शहरों और कस्बों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ने से युवा महिलाएं और पुरुषों को एक दूसरे के साथ काम करने और मिलने जुलने के काफी अवसर मिल जाते हैं। रोजगार से संबंधित यात्रा के लिए उन्हें काफी समय तक साथ रहना पड़ता है। इससे पारस्परिक आकर्षण की संभावना बढ़ने से युवा पीढ़ी द्वारा परिवार की सहमति के बिना विवाह करना बुरा नहीं समझा जाता, ओके। नेक्स्ट है परिवार के नियंत्रण में कमी, लैक ऑफ फैमिली कंट्रोल। के पटेदिया का मानना है कि तलाक का मुख्य कारण युवा पीढ़ी के जीवन पर परिवार के नियंत्रण में तेजी से गिरावट आना, बड़े शहरों में एकाकी परिवार तथा स्वयं माता पिता के पास संतानों के लिए समय नहीं है, जबकि मध्यम दर्जे में नगरों में स्वयं युवा पीढ़ी अपने परिवार में परिवार के हस्तक्षेप को अनावश्यक मानने लगी है। यदि पति पत्नी के बीच कोई तनाव पैदा होता है तो नगरों में स्थापित वैवाहिक अदालतों तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों की शरण लेना अच्छा समझा जाने लगा है। अब नेक्स्ट है महिला में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता, इंक्रीजिंग सेल्फ डिपेंडेंसी एमंग वीमेन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए तकनीकी उपकरणों की सहायता से महिलाओं को घरेलू काम बहुत सरल हो जाने के कारण अब वे इस स्थिति में कि स्वतंत्र रूप से जीविका भी उपार्जित कर सकें, ओके। अब नेक्स्ट है महिला नगर, महिला जागरूकता में वृद्धि, राइज ऑफ वीमेन अवेयरनेस, ओके। राइज ऑफ वीमेन अवेयरनेस, महिला जागरूकता में वृद्धि, अनेक नई दशाओं के प्रभाव से नगरों के साथ ग्रामीण समुदाय में भी महिलाओं का जीवन रूढ़िगत मान्यताओं की परंपरागत बेड़ियों से मुक्त होकर कहीं अधिक जागरूक बनने लगा है। अब वे परिवार में दूसरे दर्जे की सदस्य बनकर रहना नहीं चाहती। ग्रामीण पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिलना पहले से शुरू एक मजाक सा बन गया है समझ लो, लेकिन इन्हीं पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्त्रियों ने यह समझना शुरू कर दिया गया कि
व्यभिचार, क्रूरता, उत्पीड़न और उपेक्षा की दशा से स्त्रियों को कैसे छुटकारा मिल सकता है तथा किस विभाग या संगठन से उन्हें किस प्रकार की प्रभावी सहायता मिल सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संगठनों के प्रयत्नों से भी महिलाएं अपने अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक होने लगी हैं। अनेक दिशाओं में यह जागरूकता अलगाव या तलाक का आधार बन जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनडिजायरेबल इंटरफ्रेंस ऑफ पेरेंट्स, ओके, माता पिता का अवांछित हस्तक्षेप। एक प्रमुख महिला सेवा संस्थान का मानना है एक प्रमुख महिला सेवा संस्थान का मानना है कि आज तलाक की बढ़ती हुई समस्या का मुख्य कारण पति पत्नी के छोटे से विवाद में उनके माता पिता का अवांछित हस्तक्षेप है। इस संस्थान के पास सन 2008 में विवाद है जो 2008 में विवाद के जो 152 केसेस आए हैं उनमें से अधिकांश मामूली गलत फहमी से आरंभ होने लगती है, ओके, और तलाक तक पहुंच जाती है। परेशानी यह है कि पति पत्नी में अगर कोई विवाद होता है तो लड़की के मायके वाले उसे तुरंत प्रताड़ना उत्पीड़न से जोड़कर वर पक्ष को कानून का भय दिखाने लगते हैं, ओके। सो उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक दूसरी दशाएं भी भारत में तलाक की बढ़ती हुई दर के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सामंती मूल्य, नारीवाद की खोखली भ्रांति, परिवार न्यायालयों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली, दाम्पत्य जीवन के बारे में सरकार की एक तरफा सोच पर आधारित सामाजिक कानून और ससुराल के प्रति लड़कियों में विवाह से पहले ही विकसित होने वाले गलत पूर्वाग्रह भी इसी तरह की दशाएं हैं, ओके। सो दिस इज द ऑल कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डाइवोर्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विवाह विच्छेद के प्रकार अथवा आवश्यकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।